नमस्कार, रजनी इनोवेट्स चैनल में मैं रजनी रावल आपका स्वागत करती हूं। आज हम कंपनी अकाउंट्स के अंतर्गत इश्यू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड पिछले 10 वर्ष के सीबीएसई द्वारा पूछे गए थ्योरी क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चों, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है और बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर के थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करेगी। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ऑथराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या सीमा नियम के कैपिटल क्लॉज में दी गई अधिकतम पूंजी है जिसे कंपनी अपने जीवन काल में इशू कर सकती है। इसे नोट्स टू अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर से संबंधित ऑथराइज कैपिटल अलग अलग प्रदर्शित की जाती है। यदि कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो उसे अपने सीमा नियम में संशोधन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑथराइज कैपिटल या अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी इन्वेस्टर्स या निवेशकों के लिए शेयर के रूप में जारी करती है इशूड कैपिटल कहलाता है। यह ऑथराइज कैपिटल के बराबर या उससे कम होता है। इसे भी नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज्ड कैपिटल के नीचे इंफॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। इसमें शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन और शेयर्स इश्यूड टू वेंडर्स, अंडरराइटर्स या प्रमोटर्स को जारी किए गए शेयर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार कॉल्ड अप कैपिटल या याचना राशि फेस वैल्यू ऑफ शेयर का वह हिस्सा है जिसे कंपनी द्वारा शेयर होल्डर से पेमेंट के रूप में मांग लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, पेड अप कैपिटल या चुकता पूंजी कॉल्ड अप पूंजी का वह भाग है जिसे शेयर होल्डर ने चुका दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी पूंजी शेयर होल्डर्स के द्वारा एक्चुअली बिजनेस में खरीदे गए शेयर के बदले इन्वेस्ट की गई है उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल या इशू किए गए शेयर्स का वह अंश जिसे इन्वेस्टर्स या निवेशकों द्वारा खरीद लिया गया है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। इसमें कैश पर जारी किए गए और कैश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल पर जारी किए गए शेयर्स भी शामिल किए जाते हैं। इसे नोट्स टू अकाउंट्स में इश्यूड कैपिटल के नीचे दो हेडिंग्स में दिखाया जाता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड और दूसरा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। क्वेश्चन नंबर 6, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, जब कंपनी द्वारा शेयर्स पर पूरी राशि या फेस वैल्यू मांग ली जाती है और शेयर होल्डर द्वारा चुका भी दी जाती है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कहलाती है। वेंडर्स को एसेट के बदले प्रतिफल के रूप में दिए गए फुली पेड अप शेयर्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल दो सिचुएशंस में होगी। पहला, कंपनी द्वारा शेयर्स पर पूरी राशि मांगी ही नहीं गई, चाहे जितनी मांगी गई वो शेयर होल्डर ने चुका दी है। दूसरा, कंपनी द्वारा मांगी तो गई किंतु शेयर होल्डर ने चुकाई नहीं, यानी वहां कॉल्स इन एरियर है। क्वेश्चन नंबर 8, कैश के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल पर शेयर जारी करने का अर्थ है कि शेयर कैश पर नहीं अपितु किसी अन्य प्रतिफल के बदले जारी किए जाते हैं, जैसे एसेट्स खरीदने पर वेंडर्स को शेयर इशू करना, प्रमोटर्स, अंडरराइटर्स या डायरेक्टर्स को उनकी सेवाओं के प्रतिफल में शेयर जारी करना। ये शेयर फुली पेड अप या पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस या खर्चे हैं जो कंपनी व्यवसाय शुरू करने से पहले फॉर्मेशन की स्टेज पर करती है, जैसे लीगल कॉस्ट,
प्रोफेशनल फीस, स्टैम्प ड्यूटी एटसेट्रा। ये फिक्टिशियस एसेट है जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। इक्विटी शेयर्स दीर्घकालीन पूंजी का स्रोत हैं। इन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। इन पर दिया जाने वाला लाभांश स्थायी नहीं होता और कंपनी की आय पर निर्भर करता है तथा इनकी पूंजी भी अंत में वापस की जाती है कंपनी की समाप्ति की स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 11। प्रेफरेंस शेयर्स या पूर्वाधिकारी शेयर वे शेयर हैं जिन्हें इक्विटी शेयर के मुकाबले दो प्रेफरेंशियल राइट या पूर्वाधिकार प्राप्त हैं। इन पर लाभांश निश्चित दर से इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है तथा कंपनी की समाप्ति की स्थिति पर इक्विटी शेयर से पहले इनकी पूंजी वापस की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चों, अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में कहें तो यह वह स्थिति है जब निवेशकों की मांग शेयर्स के लिए सप्लाई से अधिक है और जितने शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किए गए हैं उनसे ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, यानी शेयर्स अप्लाइड आर मोर देन शेयर्स ऑफर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में तीन अल्टरनेटिव कंपनी के पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट, कुछ एप्लीकेशंस स्वीकृत कर ली जाएं, जो कि शेयर्स ऑफर्ड के बराबर है, और शेष एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी जाएं और इमीडिएटली पैसा वापस कर दिया जाए। दूसरा, सभी एप्लीकेशंस में प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट की जाए, जिसे प्रोरेटा अलॉटमेंट कहते हैं। तीसरा, ये पहले दो ऑप्शंस का संयुक्त रूप है। कुछ एप्लीकेशंस फुली एक्सेप्ट या पूर्ण स्वीकृत कर ली जाती हैं और रिमेनिंग एप्लीकेशंस में आंशिक अलॉटमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। कंपनी द्वारा शेयर पर अमाउंट मांगने से पहले ही शेयर होल्डर द्वारा उसकी पेमेंट कंपनी को कर दी जाती है तो ये अमाउंट कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस है। इसे भविष्य में रेलिवेंट कॉल ड्यू होने पर एडजस्ट किया जाता है। इसे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज के अंडर दिखाया जाता है तब तक जब तक ये अमाउंट एक्चुअली ड्यू ना हो जाए और एडजस्ट ना कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ना होने पर टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधान के अंतर्गत कॉल्स इन एडवांस पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। इस ब्याज की अवधि होगी जिस दिन ये राशि एडवांस में प्राप्त हुई से उस दिन तक जब तक ये ड्यू हुई। क्वेश्चन नंबर 16। जब शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर इशू किया जाता है तो इसे इशू ऑफ शेयर्स एट पार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। जब शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर इशू किया जाता है, यानी इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो इसे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। यह प्रीमियम किसी भी स्टेज, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल्स पर लिया जा सकता है। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 18। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे केवल सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिए गए पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सिक्योरिटीज प्रीमियम को किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, शेयर्स का बायबैक करने के लिए। दूसरा, मेंबर्स को बोनस शेयर जारी करने में। तीसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्रारंभिक खर्चों को राइट ऑफ करने में। चौथा, शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। और पांचवा, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के रिडेम्पशन का प्रीमियम देने के लिए इसे प्रयोग किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 20, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से बोनस शेयर जारी करने पर शेयर होल्डर्स रिटर्न को अधिकतम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, डी लिमिटेड ने एप्लीकेशंस मांगी 10 लाख शेयर इशू करने के लिए, लेकिन पब्लिक से एप्लीकेशंस मिली 8,55,000 शेयर्स के लिए, जो कि 10 लाख का 85.5% है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 39 के अनुसार कंपनी तभी शेयर जारी कर सकती है जब उसे कम से कम 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मिले। कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती, उसे राशि लौटानी होगी। क्वेश्चन नंबर 22, अनकॉल्ड कैपिटल का वह हिस्सा जो कंपनी अपनी समाप्ति की स्थिति में शेयर होल्डर से मांगती है, रिजर्व कैपिटल कहलाता है। इसके लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कैपिटल रिजर्व वे रिजर्व हैं जो सामान्य व्यवसाय में अर्जित नहीं किए गए हैं। इन्हें कैपिटल प्रॉफिट या पूंजीगत लाभ से बनाया जाता है। ये रिजर्व लाभांश देने के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते। कैपिटल रिजर्व के मुख्य स्रोत हैं फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद शेयर फोरफीचर में उनसे संबंधित बैलेंस, डिबेंचर्स का शोधन करने पर प्रॉफिट और एसेट की सेल पर हुआ लाभ। क्वेश्चन नंबर 24, मिनिमम सब्सक्रिप्शन या न्यूनतम अविदान वह अमाउंट है जिसे फर्म के डायरेक्टर कार्यशील पूंजी, प्रारंभिक खर्चों व अन्य आवश्यक खर्चों के लिए आवश्यक समझते हैं। शेयर जारी करने पर इस अमाउंट को प्राप्त करना आवश्यक होता है। सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार सब्सक्रिप्शन का 90% आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए, तभी कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, जब शेयर्स पर मांगी गई राशि को शेयर होल्डर द्वारा नहीं चुकाया जाता तो उसे एप्रोप्रिएट नोटिस देने के बाद शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। ड्यू अमाउंट को पे ना करने पर शेयर्स को कैंसिल करने की क्रिया को फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शेयर्स को रीइश्यू करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट फोरफीचर्स के समय तक प्राप्त की गई राशि से अधिक नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 29, 100 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पर जारी किया गया, 30 रुपए की फर्स्ट कॉल और 10 रुपए की फाइनल कॉल प्राप्त ना होने पर उस शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। इसका अर्थ है कि शेयर कैपिटल से संबंधित 60 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए अधिकतम डिस्काउंट 60 रुपए दिया जा सकता है, किंतु 40 रुपए आवश्यक रूप से प्राप्त करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कॉल्स इन एरियर कॉल्ड अप कैपिटल का वह अंश है जिसे शेयर होल्डर ने नहीं चुकाया है, यानी याचना राशि ना चुकाने को कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। इसे नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल में कॉल्ड अप कैपिटल से डिडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनीज एक्ट 2013 के टेबल एफ के अनुसार 10% प्रति वर्ष की दर से कॉल्स इन एरियर पर ब्याज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, 1 जनवरी 2016 को कामिनी लिमिटेड ने 1,00,000 इक्विटी शेयर्स पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मनी या याचना राशि मांगी। करण, जिसके पास 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की। अर्जुन, जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल के 5 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ ही पे कर दिए। आइए देखते हैं कंपनी को फर्स्ट कॉल पर कितनी राशि प्राप्त हुई। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल देखें तो 1,00,000 शेयर इंटू 3 रुपीज, दैट मीन्स 3 लैक्स। नॉट पेड बाय करण ऑन 500 शेयर्स,
500 into 3, 1,500. Advance money paid by Arjun on 1,000 shares, 1,000 into 5, that means 5,000. Total hua 3,03,500 rupay. Entry hogi bank account debit 3,03,500 rupay. Calls in arrear 1,500 rupay jo Karan ne nahi pay kiye hain. To equity share first call account 3,00,000 rupay. To calls in advance 5,000 jo Arjun ne 1,000 shares par 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से पे किए हैं. क्वेश्चन नंबर 31. फोरफीटेड शेयर्स को रीइशू करने पर अधिकतम डिस्काउंट केवल उतना ही दिया जा सकता है जितना शेयर होल्डर द्वारा शेयर कैपिटल अकाउंट में दिया गया हो. इस केस में देखिए प्रीमियम है 20%, 10 रुपए पर यानी कि 2 रुपए है. फाइनल कॉल 5 रुपए की है जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है. तो फाइनल कॉल में शेयर कैपिटल का अकाउंट है 5-2 यानी 3 रुपीज. तो नॉन पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल हो गई 3 रुपए. अब तक शेयर होल्डर द्वारा दिया गया शेयर कैपिटल का अमाउंट 10-3 दैट मीन्स 7 रुपीज. तो इसका अर्थ है कि इन शेयर्स को मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए दिया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 32. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वह स्कीम है जिसमें कंपनी एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को ऑप्शन देती है कि मार्केट प्राइस से कम वैल्यू पर शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन यह उनकी ऑप्शन पर निर्भर करता है, उन पर कंपल्शन नहीं. क्वेश्चन नंबर 33. स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स को उनके द्वारा कंपनी में दिए गए योगदान के बदले में जारी किए जाते हैं. ये कर्मचारियों और डायरेक्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं ताकि वे कंपनी को अपनी सेवाएं देते रहें. क्वेश्चन नंबर 34. प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर्स सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन यानी प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड तथा वित्तीय संस्थाओं को जारी किए जाते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए कंपनी को विशेष प्रस्ताव पास करना होता है.